मैं चंद्रकांता राजपुरोहित, स्वागत है आप सभी का सिक्यार किचन में। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थानी स्टाइल में मौठ की सब्जी बनाएंगे हम, जो कि स्पेशली हम बच बारस के लिए बनाएंगे, जो कि राजस्थान में एक त्योहार की तरह ही होता है। उस दिन हम ये कढ़ी और मौठ वगैरह, बाजरे का सोगरा और ये सब बनाया जाता है, तो आज हम उसके लिए ये प्रिपरेशन की हमने। तो यहाँ मैंने एक कप के करीब मौठ ले लिया है, उसे मैंने अच्छा गर्म पानी करके तेज, और उसमें हल्का सा आधे चम्मच के करीब मिर्ची, चौथाई चम्मच हल्दी और आधा चम्मच के करीब नमक डाल के पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और फिर दो तीन बार सुबह में इसको धो के और सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल दिया, हल्के से थोड़े सॉफ्ट भी हो गए मौठ। और यहाँ मैंने 7 से 8 करी लीव्स लिया, उसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर दिया है कड़ी पत्ता को। चौथाई चम्मच हींग पाउडर लिया है, तेज पत्ता के 2 टुकड़े लिए हैं, और 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, उनको दरदरा मोटा मोटा सा कूट के तैयार कर दिया है, और 2 हरी मिर्च उसको भी कूट के तैयार कर दिया है, क्योंकि बच बारिश में हम चाकू का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हमने उसको हाथ से टुकड़े करके और सिलबट्टे पे उसको कूट के रेडी किया है। और यहाँ पे राई लिए मैंने 1/4 चम्मच के करीब, और जीरा लिया है 1/4 चम्मच के करीब, और ये सूखे मसाले हैं, 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लिया है, और 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी पाउडर है, और 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर है। इसको हम पानी के साथ गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे ड्राई मसालों का। तो हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं। इसको पेस्ट बना के रख लेंगे हम। और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं हम। 2 टेबलस्पून मैंने मूंगफली का ऑयल लिया है कढ़ाई में, जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गैस को हम थोड़ा सा स्लो कर लेंगे और राई डाल देंगे, राई को हम तड़कने देंगे। राई के तड़कने के बाद हम जीरा ऐड करेंगे। इधर जीरा भी ऐड कर देते हैं। तेज पत्ता, हींग पाउडर, इस सब्जी में जो है हमारा थोड़ा ऑयल और मिर्च मसाले तेज ही होते हैं, तभी सब्जी एकदम परफेक्ट बनती है। करी लीव्स डाल देंगे और कुटा हुआ लहसुन, लहसुन को हम ज्यादा एकदम ब्राउन नहीं करना है, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। लहसुन के बाद कुटी हुई मिर्ची, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। मिर्ची और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें हम जो हमने मसालों में पानी मिला के पेस्ट बनाया था ड्राई मसालों को, वो ऐड कर देंगे। और इस मसाले को अच्छी तरह से हमको पकाना है। गैस को हल्का सा तेज कर लेंगे हम। थोड़ा सा मसाला रह गया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स करके डाल देंगे।
ऑयल छोड़ने तक हमको इस मसाले को अच्छी तरह से पकाना है। जितना अच्छा मसाला भुनता है सब्जी का उतना ही ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है। मसाले से तेल अलग होने लग गया है, मसाला पक के बिल्कुल रेडी है, तो हम ये भीगे हुए मोट इसमें ऐड कर देंगे और इनको दो तीन बार अच्छे से मसाले में हम मिक्स कर लेंगे। मोट को भी अच्छे से मसाले में हम फ्राई कर लेंगे हिलाते हुए। मोट को हमें जो है एक दिन पहले ही 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना होता है। चाहे तो अगर सुबह बनाना है तो हम रात को भिगोते हैं और शाम को बनाना है तो हम सुबह भिगोते हैं। 6 से 7 घंटे गर्म पानी के अंदर भिगोना होता है तभी वो एकदम अच्छे से परफेक्ट बनते हैं। अगर नहीं भिगोते तो वो बिल्कुल कड़े कड़े हो जाते हैं और उनको पकाने में काफी दिक्कत होती है। तो हमने मसाले में जो है मोट को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे। ये 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। एक कप के करीब, थोड़ा सा ज्यादा है। इसको हम मिक्स करके गैस को मीडियम कर देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा जो है सब्जी का कलर आया है। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा ग्रेवी को लेकर टेस्ट भी कर सकते हैं कि इसमें नमक हमारा कम है तो हम इस वक्त मिला भी सकते हैं। और हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए हमको इसको पकाना है ताकि मोट हमारे एकदम सॉफ्ट हो जाए और जो भी मसाले हैं वो सारे मोट के अंदर तक जाए, सब्जी काफी टेस्टी बने। गैस को मीडियम कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम मोट को पकने देंगे। मोट को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमने बीच में एक बार इसको हिला लिया है अच्छी तरह से। अब मोट को पकने में थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का समय लगेगा तो हम फिर से ढक देते हैं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं सब्जी को पकते हुए। हमारे मोट की जो सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। मोट एकदम सॉफ्ट हो गया है, सब्जी का कलर काफी बहुत ही अच्छा है। तो अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाहे तो हम इसको बिल्कुल सूखा भी कर सकते हैं। गैस को तेज करके हम इसका जो हल्की सी ग्रेवी है उसको भी हम सूखा के एकदम सूखा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने हल्की सी ग्रेवी रखी है, वो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। गैस को ऑफ कर देंगे, हमारी सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये हमारी राजस्थानी स्टाइल की मोट की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सभी नई रेसिपीज को देखने के लिए सीकेआर किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप कढ़ी के साथ खाएं, बाजरे के सोखरे के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।